वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में सर डिक्लेयर भी किया था कि 2020 में हम लोग वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमने 2019 में नहीं पढ़े। इसमें इंक्लूडेड होंगे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका GST, माइक्रो इकोनॉमिक्स और कुछ अलग टॉपिक्स जो कि हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, मैं जितनी बातें करूंगा उतना कम लगता है मुझे, तो क्योंकि आपसे बात करने में मुझे इतना मज़ा आता है आज की डेट में कि बस जैसा भी कहिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा क्लास शुरू होने से पहले। दोस्तों, मैं आज पहली बार बता रहा हूं आपको, मैं इंडिया में नहीं रहता हूं, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स ई बुक्स फॉर्म में होती हैं और बहुत सारी बुक्स मेरे पास नहीं होती हैं। तो अमूमन क्या होता है कि जो बुक्स मेरे पास नहीं होती मैं उस पर लेक्चर नहीं बना पाता। तो आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नीचे मेरा ईमेल आईडी गिवन है, अगर आपके पास 11th, 12th, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, इनसे रिलेटेड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी या कोई भी सब्जेक्ट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी आपके पास, अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स कोई ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल हो, ई बुक फॉर्मेट में, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट अगर आप मुझे वो फॉरवर्ड कर दें ईमेल पे। कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया के अंदर जो बिना बुक्स के पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, बुक्स नहीं होती उनके पास। तो एक ज़रिया है ये ईमेल के थ्रू कि जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाती, आपके दी हुई बुक्स मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, कमेंट सेक्शन में देख भी लिया करो, कोई बुक मांग रहा है अगर आपके पास है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया करो, लिंक ड्राइव में डालो, गूगल ड्राइव में उसको बुक दे दिया करो, एक दूसरे की हेल्प करने से और अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज़ ओनली रिक्वेस्ट ऑन 2020 कि अगर आपके पास कोई ई बुक्स हैं तो प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड करो ताकि मैं आप जैसे और स्टूडेंट्स को वो बुक्स फॉरवर्ड कर पाऊँ। आज की क्लास हम शुरू करते हैं मोस्ट अवेटेड वन, इसका नाम है GST, इसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओ गॉड, भगवान भला करे, सर GST पढ़ा दो, सर GST शुरू करो, सर GST शुरू करो, GST शुरू करो। क्यों करना है शुरू? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में हर कंपनी को ये फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि एक हमारा सपना चालू हुआ है, उसका नाम है ONOT। मालूम है क्या है? वन नेशन वन टैक्स। पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में, फिर मैं इस नोट्स के हिसाब से फंडामेंटल आपको समझाता हूँ। दोस्तों, वन नेशन वन टैक्स का मतलब होता है कि पूरे कंट्री के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे यहाँ बहुत तरीके के टैक्स हुआ करते थे। नाम समझाऊंगा अभी, आपने सुने भी होंगे वैट, सर्विस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते थे। अब हमारी कंट्री कहती है कि नहीं, एक ही टैक्स लगाओ, उसका नाम क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवाएं, और उसके ऊपर लगा दो कर, कर टैक्स, ब्याज तो इंटरेस्ट हो जाता है। पहली बात आज हम समझेंगे पहले फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले टैक्स की फंडामेंटल पे आते हैं। आखिर ये क्यों आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना ही क्यों, ऐसा क्या सर में दर्द हुआ कि स्टूडेंट सारे परेशान हो गए हैं? स्टूडेंट इसलिए परेशान नहीं होते कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स हम लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम इस चीज़ में डील नहीं कर रहे, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे, हम कोई व्यापार नहीं कर रहे, तो हमें पता नहीं चल रहा कि प्रोफेशनल सर्विसेज पे कैसे टैक्स लेना है। अगर आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई कला करते हैं, आर्ट्स आर्टिस्ट हैं, कुछ करते हैं, तो भी उनकी इनकम इतनी नहीं बैठती कि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करें और गवर्नमेंट को सबमिट करें। हमारे देश में दो तरह के टैक्स पाए जाते हैं, हमारे देश में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बना रखी है, फिर भी यहां से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि शुरुआत इसलिए करनी है कि कुछ बच्चे सिर्फ GST से शुरू कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हम कहां पे क्या झोल झोल कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों, कि डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट कहती है कि इट विल बी डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पेयर, जिसने भी ये कमाया है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, मतलब इट इज
पेड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, इट इज पेड इनडायरेक्टली। अब इसका मतलब क्या हुआ, आज आप किसी जगह नौकरी करते हो, सैलरी कमाते हो, आपका पैकेज है 50 लाख रुपए का। भगवान करे कि आप सब लोग 50 50 लाख का टैक्स पे करो, ठीक है। अगर आपका इनकम है 50 लाख रुपए की, तो आप उसमें टैक्स कटेगा, वो टैक्स स्लैब हमने पढ़ रखे इनकम टैक्स स्लैब के अंदर, उससे आपके टैक्स कैलकुलेट करिए और आपका टैक्स आ गया सपोज 11 लाख रुपए का। तो 11 लाख रुपए आप टैक्स पे करोगे तो कितना दुख होगा ना, क्योंकि आपने पे करना है वो, तो आप पे करते हो डायरेक्टली। तो उसको बचाने के लिए ये करो वो करो वो करो, चलो इनकम कम दिखाओ, चलो एक्सपेंस ज़्यादा दिखाओ, कुछ ना कुछ झोलमाल करते रहते हो। बट दिस इनडायरेक्टली, इतना पे करते हो आप, इतना पे करते हो, आपको लगता है कि मैंने पे कुछ नहीं किया, लेकिन इससे ज़्यादा पे कर देते हो। किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, शॉपिंग करो, टैक्स आपको पता नहीं है। आप कोई भी साइड आइटम उठाओ, उसके ऊपर लिखा होगा MRP इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स उसमें शामिल है, तो आप टैक्स पे कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। इसके लिए मैं एक चीज ऐड करता हूं, ये बड़ा पिंचिंग होता है, लेकिन इट इज नॉट पिंचिंग एट ऑल। मैं बुक की लैंग्वेज में बाद में आऊंगा, पहले एक टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। नॉट पिंचिंग क्यों, पिंचिंग क्यों है? लाओ 11 लाख रुपए सर, देख लो ठीक ठाक लगा लो, 11 लाख रुपए होते हैं, बहुत होते हैं, मेरा घर चल जाएगा। चलो भाई, नॉट पिंचिंग। आज एक मूवी देखने जाओ, 500 रुपये की टिकट है, अंदर पॉपकॉर्न खाओ, 300 रुपये के पॉपकॉर्न है, 800 रुपये आपने दिए, आपने कहा 800 रुपये लगे, वेरी गुड, लेकिन 800 रुपये में आपको देखा नहीं, 250 रुपये का टैक्स कट गया, वो तो पिंच नहीं हुआ। क्यों पिंच नहीं हुआ? क्योंकि उसने आपसे डायरेक्टली 800 रुपये मांग लिए। हैड इट बीन, अगर वो बोलता 650 रुपये लाओ टिकट के और प्लस 150 रुपये लाओ टैक्स के, तो कितना दुख होता ना, कि 150 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, भैया क्या बात कर रहे हो यार, हमें नहीं चाहिए, तो हम नहीं लेते। लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली पूरा अमाउंट मांग रहे हैं, आपको पिंच नहीं होता, तो वो पिंच नहीं होता। यहाँ पे पिंच इसलिए क्योंकि डायरेक्टली पैसे मांग लिए, 11 लाख रुपए लाओ। बेचारा कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है, लाओ 20,000 रुपए लाओ। कोई अगर 40 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसे लाओ लाओ दो 5 6 लाख रुपए लाओ, तो हु विल बी बेयरिंग द लॉस, बर्डन है, सफर लगता है हमें यहाँ पे। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नोट्स हैं, इसकी जो बुक्स हैं, ये जो नोट्स हैं, इसकी ई बुक है मेरे पास, ये CMA कलकत्ता की बुक है, कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से चलती है। नो नीड टू वरी, BCOM वाले फॉलो करो, CA वाले फॉलो करो, CMA वाले फॉलो करो, कोई भी कर सकते हो। अगर आपको ये बुक चाहिए, इसका लिंक, मेरी ड्राइव का लिंक इसमें नीचे गिवन है, आप उसको चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। फंडामेंटल ऑफ GST ये क्या कहता है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों में फ़र्क क्या होता है। पेयर ऑफ टैक्स अंडर डायरेक्ट टैक्स, पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स, सफरर पिंच आई सफर एंड सेम इन दिस केस, पेयर ऑफ टैक्स जो पे करेगा वो इनडायरेक्टली करेगा, एंड द सफरर ऑफ टैक्स इज डिफरेंट। मतलब आज आपने एक टिकट खरीदी मूवी की टिकट, तो टैक्स तो आप ही ने दिए 150 रुपये का, किसको दे दिया, सिनेमा हॉल को दे दिया आपने। अब 150 रुपये उसने जो लिए वो जाके सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, तो पेयर कौन हुआ, सिनेमा हॉल। सफरर कौन हुआ, द पर्सन हु इज गोइंग टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि पैसे जो देगा उसी को सफर होगा। तो यहाँ पे जो पेयर है वो कलेक्टर कोई और है, और जो पेयर है वो कोई और है, जो कलेक्टर है वो पे करेगा गवर्नमेंट को, यहां पर खुद जमा करना पड़ेगा। इट इज इनकम बेस्ड टैक्स, ये इनकम बेस्ड है, बट ये कंजम्पशन बेस्ड है। आपने क्या खाया, क्या एंजॉय किया, क्या आपने खरीदा, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एंजॉय करे हैं, उनको लिया है, उसके बदले जो आप टैक्स पे करोगे, मतलब ये कंजम्पशन बेस पे चलेगा, और ये इनकम बेस, आपने कमाया क्या। रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसमें जो पर्सन होंगे अलग अलग होते हैं। आपने पढ़ा इनकम टैक्स में अंदर, तो हमारे जो इंडिविजुअल हैं, HUF है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इन सब के लिए जो टैक्स रेट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम टैक्स रेट अलग चलेगा, लेकिन इसमें वन नेशन वन टैक्स, हर किसी का टैक्स रेट सेम चलेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में जाएगी, अगले असेसमेंट ईयर की इनकम अगले असेसमेंट ईयर में जाएगी, उसके बाद अगले असेसमेंट ईयर,
यहां पर नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर कोई मान्य नहीं रखता। आपने सामान खरीदा, जब खरीदा तभी टैक्स पे कर दो। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम करती है जिसका नाम होता है CBDT, सुना है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, बैंगलोर में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है। और यहां पे जो हमारे पास काम करते हैं उसका नाम है CBIT एंड सी, CBIT एंड सी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अब क्या होता है, जो हम यहां पे GST पढ़ेंगे ना, तो GST को हमने दो पार्ट में हमने पढ़ना है। एक पहला पार्ट है, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स में हम दो चीज पढ़ते हैं आज की डेट में, एक का नाम है GST और एक का नाम है कस्टम। तो ये हमारा पार्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, वैट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ये सब चीज़ बहुत सारे नाम हुआ करते थे। आज की डेट में दो हैं, GST एंड कस्टम ड्यूटी। एक बार हटा, हट जाओ मैं यहाँ से एक बार, चलो पे डायरेक्टली हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। इसके नाम लिखता हूँ यहाँ पे मैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। डायरेक्ट में आप सिर्फ आज की डेट में पढ़ते हो इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट में पढ़ते हो आप GST एंड कस्टम, कस्टम ड्यूटी। बस ये दो चीजें आप डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में आज के डेट में पढ़ते हो। तो जितने भी बच्चे हमारे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, CA CS वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा होगा दो कंपोनेंट होते हैं। इवन CMA के सिलेबस में दो पार्ट डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका GST है, सेक्शन बी आपका कस्टम ड्यूटी पे चलता है। चलिए कहानी बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे। अब सर GST के बारे में बेसिक बात करेंगे, बहुत इनडेप्थ बात नहीं कर रहे, समझने वाली बात ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर ये GST में क्या क्या शामिल करते हो आप? हमने कहा सर बहुत कुछ शामिल करते हैं, तो आज थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा टफ करेंगे। सर क्या क्या शामिल होता है? हमने कहा सर GST में एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST और एक होता है UTGST। हमने कहा कि आप आज दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, सपोज मेरा काम जो है मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली आई बिलोंग टू दिल्ली, इसलिए मैं दिल्ली बोलते रहता हूँ क्योंकि आदत बचपन दिल्ली दिल्ली बोलने की पड़ गई है। फिलहाल दिल्ली में नहीं हूँ, इंडिया में भी नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं दिल्ली में काम करता हूँ और दिल्ली में कोई मेरे से आके लेक्चर्स मेरे परचेज करना चाहता है या मुझसे पढ़ना चाहता है। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा कोई सेंटर नहीं है, मेरा कोई पढ़ाता नहीं हूँ, ऑनलाइन सेलिंग कुछ नहीं है मेरी, यही जो तरीका है वही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं दिल्ली में बैठ के कुछ व्यापार करता हूँ, तो दिल्ली में अगर मैं काम करके आपको कुछ सामान बेचता हूँ, तो आप जब मुझे पेमेंट करोगे तो मैं आपसे एक तो CGST 8% कलेक्ट करूंगा और एक सेंट्रल GST स्टेट GST चेक करूंगा 8% का, 8 है 9 है, 9%, सॉरी 9 9 और 9, मतलब मैं आपसे टोटल 18% कलेक्शन करूंगा, जिसका एक हिस्सा 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल GST, और उसका 1% 9% जाएगा मेरा स्टेट को, जिस स्टेट में मैं काम कर रहा हूं, स्टेट जीएसटी 9%। हमने कहा ठीक है सर, इसका मतलब टोटल कितना पे करना है आपने? आपने टोटल मुझे पे करना है 18%। तो आज की डेट में अगर आप कोई बिल देखेंगे किसी कंपनी का, किसी भी जगह का, आपको बिल आएगा, आपको कि ये क्या मतलब है, मोदी जी ने तो कहा था कि अब ये 18% लगेगा सिर्फ, आप दो टैक्स को काट रहे हो, उन्होंने कहा था वन नेशन वन टैक्स। सर टैक्स एक ही है लेकिन उसके डाइवर्जन दो जाएंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट में चला जाएगा, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं आएगा दोस्तों रेवेन्यू फॉर्म में हमारी गवर्नमेंट के पास, तब तक हमारे लिए फैसिलिटीज भी नहीं आएंगी। इस पर कोई डिबेट नहीं करूंगा कि वो बेनिफिट का पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, असली में कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन दे हैव टू कलेक्ट टू गिव यू बैक। तो टोटल 18% ही गया लेकिन उसको टुकड़े कर दिए दो, 9% 9%। ये पार्ट क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जाता है। दूसरा आता है IGST। IGST क्या होता है? इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर आज आपने ऑनलाइन किसी भी जगह से कोई सामान मंगाया, सपोज आप रहते हैं मेरठ में और आपने सामान मंगाया महाराष्ट्र से,
महाराष्ट्र से जब आपको सामान आएगा तो आपके बिल में आएगा 18%। अब 9% नहीं, 9% सेपरेट नहीं, सीधा 18% का बिल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने किसी और स्टेट से सामान मंगाया, तो आपकी जो बिल होगा उसमें डायरेक्टली पूरा का पूरा 18% लिखा आएगा। ये पूरा का पूरा 18% आपको देना पड़ेगा, लमसम पूरा का पूरा, इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है। इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर आपने किसी यूनियन टेरिटरी में काम करके बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो, मतलब जहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हो, तो वहाँ पे जो टैक्स पे होगा दैट इज विल गो टू यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। चार तरह के हमारे पास टैक्स के नाम आ गए जीएसटी के अंदर। नंबर वन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप उसी स्टेट में बैठ के उसी स्टेट के अंदर काम करते हो तो आपको दो तरह के टैक्स लेने पड़ेंगे, सेंट्रल भी और स्टेट भी, सेपरेट सेपरेट। लेकिन अगर आपने अपनी सर्विसेज या बेची है किसी और जगह और किसी और ने आपसे कंज्यूम करी है किसी और स्टेट से, तो अगर दिल्ली में रहता हूँ मैं और मैं काम कर रहा हूँ और मुझसे किसी ने मुंबई में से चीज़ें परचेज करी हैं, तो वो मुझे IGST पे करेगा जो मैं कलेक्ट करूँगा। तो ये हो गया पेयर, ये हो गया कलेक्टर, इसको बोलते हैं, चलो पेयर की जगह बोलते हैं सफरर, इसको पिंचू है, उसने पेमेंट करनी है, ये कलेक्टर, और ये देगा जाके गवर्नमेंट को पैसा। तो अल्टीमेटली जो भी कलेक्शन होती है, अब यहां पे एक क्वेश्चन होता है, सर हु इज गोइंग टू कलेक्ट? द पर्सन हु इज डिलीवरिंग गुड्स और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, ही हैज टू कलेक्ट। नंबर टू, हु विल पे? हु विल पे अल्टीमेटली? द कंज्यूमर और द कस्टमर विल पे। एंड हु विल पे टू गवर्नमेंट? दिस पर्सन हु कलेक्ट द मनी विल पे टू द गवर्नमेंट। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो क्या क्या समझ आ गया? जीएसटी की फुल फॉर्म समझ आ गई, जीएसटी के अंदर क्यों होता है एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नंबर थर्ड, ये हमारे पास चार तरह के स्वरूप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कहानी बढ़ाते हैं अब आगे। तो दोस्तों कहानी बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सर इतने तो टाइम पास कर लिया, जीएसटी है क्या? जीएसटी है क्या, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक सिस्टम जिसका नाम है टैक्स ऑन टैक्स। इसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग टैक्स। ठीक है, द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। अब टैक्स ऑन टैक्स होता क्या है दोस्तों? सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ सामान खरीदा, सपोज सामान खरीदा 100 रुपए का। अब अगर टैक्स रेट है सपोज 20% का, तो हमारा बी जो है उस पर 20 रुपीज का टैक्स लगाएगा और 120 रुपए का सामान वो ए को बेचेगा। तो आपने टैक्स कितना दिया? 120, 100 रुपए के आइटम पे 20 रुपए का टैक्स पे किया आपने। अब अगर मिस्टर ए से वही सामान मिस्टर सी खरीदता है, वो कहता है मुझे बेच दो, तो गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया कि 20% का टैक्स लगाना है आपने। तो ठीक है, मिस्टर ए कितने का बेचेगा? 120 के ऊपर अपना प्रॉफिट लगाएगा कुछ, सपोज 10 रुपए का प्रॉफिट लगाया, 130 रुपए करके इसके ऊपर टैक्स लगाएगा 20% का। 20% टैक्स कितना हो गया? 26 रुपए। तो 156 रुपए का सामान बेचेगा वो सी को। इफ आई टेक इट इन ए कंसिडरेशन, लाइक सपोज एक है हमारा होलसेलर मैन्युफैक्चरर, एक है हमारा होलसेलर, एक है हमारा रिटेलर और एक है हमारा कस्टमर और कंज्यूमर। तो टैक्स ऑन टैक्स क्या चल रहा है? तो टैक्स ऑन टैक्स क्या चल रहा है? मैन्युफैक्चरर ने भी 100 रुपए की चीज जो बनाई वो होलसेलर को जो बेची वो टैक्स लगाया 20 रुपए, 120 का प्रॉफिट मार्जिन को 2 मिनट असाइड करते हैं। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, इस पर टैक्स लगा लिया 24 रुपए, 20% का टैक्स लगा के चलते हैं। अब रिटेलर को कितने का मिला? 144 का, इसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा 20%, 20% लगाएगा तो करीबन करीबन 29 रुपए, 3
तो इसका मतलब कस्टमर को कितने का मिलेगा, 163 का। अब कंफ्यूजन कहां पे आ गई कि सर गवर्नमेंट ने टैक्स रखा था 20%, लेकिन टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, टैक्स कलेक्ट हुआ 20 प्लस 24 प्लस 29, ये मिलाकर तो 60% से ऊपर चला गया टैक्स। इसका मतलब टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। अब इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप जीएसटी फॉलो करो, मतलब मिस्टर जो मैन्युफैक्चरर है वो गवर्नमेंट को कितना सबमिट करेगा, 20। होलसेलर कहेगा कि सर मैंने कलेक्शन तो किया है 24 रुपए, लेकिन 24 रुपए पे 20 रुपए में ऑलरेडी पे कर चुका, जिसको बोलता हूं मैं टैक्स क्रेडिट, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पे, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 4 रुपए है, तो मैं आपको पे करूंगा सिर्फ 4 रुपए। रिटेलर बोलेगा कि सर 29 रुपए में से 24 रुपए मैं पे कर चुका हूं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है सिर्फ 5 रुपए, तो इसका मतलब टोटल हो गया 29। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो टैक्स ऑन टैक्स का जो बर्डन चल रहा था कि हम टैक्स पे टैक्स देते थे, पहले टैक्स पे टैक्स देते थे, पता कैलकुलेशन ही नहीं होती थी, हर किसी को लगता था कि मुझे टैक्स पे करना है, तो हर कोई अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर जो टैक्स लेता था ना वो गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा था। तो मतलब प्रॉफिट किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को, लॉस किसको हो रहा है, इस कस्टमर को। अल्टीमेटली इस तक जो टैक्स पहुंचना है वो बहुत ज़्यादा पहुंचना है, तो यहाँ से जो कड़ी जोड़ी गई ना, तो पता चला कि गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिल रहा था, वो गलत मिल रहा है, उसको ठीक करते हैं। तो ठीक करते हैं 20, 44 एंड 5, 29। ये जो सिस्टम था जो हमने किया, इसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, कि टैक्स उसी पे लो जो आपने वैल्यू एडिशन किया हो। तो आपने 20 के ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं किया, एक्स्ट्रा जिस पे किया वो 4 रुपये कमाए, 24 पे नहीं किया, नो, तो मतलब 5 एक्स्ट्रा किया। दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। इसको कम करने के लिए हमें जीएसटी लाना पड़ा। अब समझते हैं इसके नोट्स के हिसाब से, व्हाट इज जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कई इंडस्ट्री ऐसी है जो गुड्स भी बेच रही है, सर्विसेज भी दे रही है, जैसे होटल इंडस्ट्री है, या आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं। एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। शराब पे क्या लगेगा वो बात की बात है, ये अंडर आर्टिकल 366 है, ठीक है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैट है, एक तरह से वैल्यू एडिड टैक्स है। ऑन सेल ऑफ सर्विसेज और गुड्स और बोथ। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन मतलब मैन्युफैक्चरर से डेस्टिनेशन, होलसेलर डेस्टिनेशन, रिटेलर रिटेलर से कंजम्पशन। जिसके पास जाएगा उससे टैक्स आएगा, जिसके पास जाएगा उससे टैक्स आएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। इसका टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 20, इसका टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 24, इसका टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 29। तो ये तो पे करेगा ना अल्टीमेटली, ये 29 पे करेगा, 29 कितना हुआ, 5 और 4, 9 और 20, 29। जो लास्ट टैक्स है वो फाइनल टैक्स होता है। जीएसटी इट इज वेयर बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, इट इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। 29 रुपए का टैक्स किसने पे किया, हमारे कंज्यूमर ने पे किया। जीएसटी एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जो टैक्स पे टैक्स मत लो उसको कैंसिल करो। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। आपको पता है पहले के टाइम में क्या होता था, अभी कई बार देखा होगा आपने, सब छोटे होंगे, कई जगह ना चेक नाके होते थे, चेक नाके मतलब कि बॉर्डर्स, छोटे छोटे बॉर्डर, स्टेट टू स्टेट बॉर्डर होते हैं, और वहाँ ट्रकों की लंबी लंबी लाइन, लंबी लंबी लाइन, लंबी लंबी लाइन लगी होती थी। क्यों, हर कोई स्टेट में घुसने से पहले स्टेट का टैक्स दो, उसको बोलते हैं हम ओक्ट्रॉय। ये नाम आप याद रखिएगा, दिमाग में रखने की बात है सिर्फ, ओक्ट्रॉय, चुंगी बोलते हैं इसको हम, कि ना हर चेक नाके पे वो ट्रक वाले अपना पहले ऑक्ट्रॉय पे करेंगे, फिर जाएंगे, फिर टैक्स पे करेंगे, फिर जाएंगे। मतलब यार इतनी लंबी लाइन लगा दी बेचारों को, जो 10 घंटे का सफर था उसने, उसको आपने 25 घंटे का बना दिया, इतनी लंबी लाइन लगी है एंड तक। तो वो खत्म करने के लिए भी यूनिफॉर्म टैक्स, जीएसटी, एक टैक्स तो सर सामान लेके जाओ, इलीगल नहीं, बस लीगल सामान। तो
जीएसटी का फायदा क्या है, ये हो गया हमारा कि वॉट इज जीएसटी, जो मैंने पढ़ा है उसको समझ के, और बाद में नोट्स आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ये, बता दूं। तो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ओ एन ओ टी, क्या है ओ एन ओ टी, ओ एन ओ टी होता है वन नेशन वन टैक्स, मैंने पता नहीं कैसे क्या लिख रहा हूं, ठीक है ढंग से लिख देता हूं, वन नेशन वन टैक्स, ये है हमारा बेसिक एडवांटेज ऑफ जीएसटी। इसमें क्या लिखते हैं, एडवांटेज ऑफ जीएसटी नंबर वन, वन नेशन वन टैक्स, सबके लिए एक टैक्स, ये नहीं कि सब अलग अलग टैक्स दे रहे हैं, भाई तेरा कितना टैक्स होगा, भाई तेरा कितना टैक्स होगा, भाई तुम्हारा कितना है, तुम्हारी कंपनी में कितना है, तुम्हारी इंडस्ट्री में कितना है, सबका टैक्स एक जैसा है। नंबर टू, इट रिमूव्स द बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे, वैट, नाम सुनना ठीक है, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कैड, सैड एंड एक्साइज, इन सबको बोला नमस्ते बाय बाय, सिर्फ जीएसटी। कितनी कंफ्यूजन है ना बेचारा, कितनी जगह क्या क्या करेगा, क्यों मतलब कुछ सीएसटी भी लगाऊं, सेंट्रल सेल टैक्स क्या, सर्विस टैक्स लगाऊं, गुड्स पे क्या लगाऊं, उस पे क्या लगाऊं, जीएसटी लगाओ काम खत्म करो। नंबर थ्री, इट इंक्रीजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब मुझे टैक्स के लिए टेंशन ही नहीं है कि कौन सा टैक्स पे करूं कौन सा नहीं, सिर्फ एक टैक्स पे करना है, जीएसटी काम खत्म, मेरे लिए भी कितना आसान है बिजनेस करना। अगर आप 40 लाख रुपए, 40 लाख क्यों बोल रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, अगर मैं 40 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस करता हूँ तो मुझे मालूम है मुझे जीएसटी में रजिस्टर करना है, आई हैव टू रजिस्टर फॉर जीएसटी, तो मैं जीएसटी पे करूंगा, कितना पे करूंगा, मेरा रेट फिक्स है। रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जो अभी हमने पढ़ा टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करता है, लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्रीज डिमांड विल लीड टू इंक्रीज सप्लाई, जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई करोगे आप, तो जबरदस्ती बना के रखोगे नहीं तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आ जाएगी। इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पहले क्या था, तो सर ऑक्ट्रॉय कितनी लगेगी अगर मैं यहां से शिमला सामान भेजूंगा तो, अच्छा उस कंट्री उस वाली स्टेट का कितना टैक्स है, उस वाले का सर्विस टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, वहां का वैट कितना है, क्या कर रहे हो, इतनी कंफ्यूजन कैसे होगी। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में सामान भेजो, आपको मालूम है आपने जीएसटी पे करना है, तो आपने जीएसटी पे कर दो, जितना जीएसटी बनता है आपने ले लो उससे और गवर्नमेंट को सबमिट कर दो, तो दैट बिकम्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड यू कैन एक्सपेंड योर एक्सपोर्ट एंड अदर एक्टिविटीज फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। तो ये सब चीजें बाद में आप कवर कर सकते हैं थ्योरी पढ़ के कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एंड वन नेशन वन टैक्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ये मत सोचना कि वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, रिसेंटली हमारी जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से तो ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। चलिए, जीएसटी के मेथड कौन से होते हैं, ये मैंने आपको सबसे पहले शुरू किया था, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटर स्टेट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। नाउ सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स वगैरह सब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ने के लिए दे रखा है नोट्स के अंदर, आप उसको प्लीज डाउनलोड करके उसमें से आप पढ़ सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज जो होती है विदाउट लेजिस्लेशन, जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन सबको हम यूनियन टेरिटरी में शामिल करते हैं। आईजीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी इज अ मैकेनिज्म, मतलब इंटर स्टेट, इज अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंश्योर दैट द एसजीएसटी कॉम्पोनेंट एक्रूज टू द कंज्यूमर स्टेट, इट वुड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आईटीसी चेन इन इंटर स्टेट सप्लाईज, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सप्लाई जाएगी तो वहां का कंज्यूमर अपनी स्टेट को भी टैक्स पे कर दे और हमारे पास जब आएगा तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दें, तो दोनों मिला के आईजीएसटी कलेक्ट कर लो और उसका कुछ पूरा हिस्सा भेज दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने आप उसका हिस्सा स्टेट को भेज देगी और अपने पास रख लेगी। द रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल्स विल नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट,
रेवेन्यू किसको जाएगा? इम्पोर्टिंग स्टेट को जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कमाई हुई है, जहाँ पे कमाई हुई है वहीं जाएगा। एंड द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द सेंट्रल सेंटर द क्रेडिट ऑफ SGST और UTGST अंडर द पेमेंट ऑफ IGST। चलिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है, इसका नाम होता है GSTN। ये सब चीज़ें आपको नाम पता होना चाहिए, इसलिए बताने के लिए सिर्फ फंडामेंटल चल रहे हैं। GSTN क्या होता है? ये नेटवर्क है, आपका टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है किसका कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, किसका कितना टैक्स क्रेडिट हुआ, किसको कितना टैक्स सबमिट करना है। बट हाउ वुड यू नो, ये पता कैसे चलेगा? सर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ GST नंबर, ये सब से आपकी कैप्चर हो जाएगा। आप जो भी सेल परचेज ट्रांजेक्शन्स करोगे, जितना भी सेल करोगे, वो सब इसके थ्रू लिंक हो जाएगा। गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपका कितना टैक्स कलेक्ट आप कर चुके हो, जो आपने अभी तक गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करी है। तो आपने कितना पे किया था वो माइनस करके जितना बचता है वो हमें दे दो। तो कंज्यूमर कहीं नहीं आएगा इसके अंदर, ये सब सिर्फ चेन कहाँ तक है, अपना होलसेल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनके बीच में घूमता रहेगा सब ये, क्योंकि कंज्यूमर ने तो पे करना है। कंज्यूमर कैन नॉट क्लेम एनी टैक्स क्रेडिट और दे कैन नॉट से कि मुझे मेरा टैक्स वापस करो। इनकम टैक्स में रिफंड पॉलिसी हो सकती है, इनडायरेक्ट टैक्स में GST में कोई रिफंड नहीं होता। फंक्शंस ऑफ GSTN, ये करता क्या है GSTN नेटवर्क, क्या करता है? इट इज हेल्पफुल टू फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्रिएशन ऑफ चलान, सेटलमेंट ऑफ IGST पेमेंट लाइक अ क्लियरिंग हाउस एंड जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। कि हाँ, इसने जो झूठ बोला, इसने कितना कलेक्शन किया, ये कितना बोल रहा है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास ऑनलाइन आ जाता है। फिर एक चीज और है छोटी सी, इसको आप पढ़ सकते हैं थ्योरी के रूप में, जिसको बोलते हैं GST काउंसिल। तो दोस्तों, आज की कहानी का पर्पस सिर्फ इतना था समझाने का GST के अंदर, कि हम लोग टैक्स लगाएंगे हर गुड्स पे और हर सर्विसेज के ऊपर, एक ही तरह का टैक्स चलेगा, सेंट्रल का होगा चाहे स्टेट का होगा, चाहे इंटीग्रेटेड होगा चाहे इंटर स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा। इतना डिटेल सिलेबस में नहीं जाएंगे हम, मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं, जिसका नाम होता है हमारा CGST, SGST एंड IGST। रेट सबके सेम रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रहेंगे। ओके, तो आज की क्लास में आपने क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको समझ आया या नहीं आया तो प्लीज़ नीचे लिख देना कि हाँ सर समझ आ रहा है, आगे बढ़ो तो आगे मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि हो सकता है ना कि मैं हर चीज़ अच्छे से ना पढ़ा पा रहा हूँ, कई बार पढ़ाने का तरीका हर किसी का अलग होता है, तो कुछ बच्चों को नहीं भी समझ आएगा, तो नो नीड टू फील बैड, यू कैन स्विच ओवर सम अदर टीचर, नो प्रॉब्लम। आपको मेरा समझ आ रहा है, कहीं फीडबैक देना तो मुझे लिख दो नीचे। तो आज की क्लास में जो हमने किया है, इसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का, उसका आधा चैप्टर किया, पूरा नहीं किया। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना नीचे बुक को, इसको आप पढ़ना शुरू करो। अगर आप कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो तो कंसेप्ट सब जगह सेम रहेंगे, देर इज नो डिफरेंस इन कंसेप्ट फॉर टैक्सेशन इन एनी बुक यू टेक। टैक्सेशन चाहे इनडायरेक्ट पढ़ो चाहे डायरेक्ट पढ़ो, सेम रहेगा पूरी कंट्री के लिए। ये नहीं कि उसकी बुक से पढ़ूँ या इसकी बुक से पढ़ूँ, हाँ लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, जैसे टीचर अलग अलग हो सकते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग है हमारा, उसी तरह से बुक्स का भी अलग सिस्टम होता है, लेकिन लॉ विल रिमेन लॉ, इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबाया करो, मुझे अच्छा लगता है और इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है। और दूसरा, फीस दे दो मेरी। फीस क्या है मेरी? चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शेयरिंग नहीं करोगे तो वो बेचारे बच्चे जिनको बुक्स नहीं मिलती हैं उनको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो विद दैट आई टेक अ लीव। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।